सावधान रहें, आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं। ये चेतावनी कई जगह लिखी हुई दिखती है, लेकिन जहां ना लिखी हो वहां भी लगे सीसीटीवी कैमरे कई बार अपराधियों को उनके सही जगह पहुंचाने में मददगार हो जाते हैं। ऐसी ही घटना हुई रामपुर में, जहां एक व्यक्ति ने खुलेआम तमंचे के बल पर दूसरे व्यक्ति को धमकाने का दुस्साहस किया। इस घटना का वीडियो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और फिर वायरल होकर पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गया। फिर क्या था, पुलिस ने आनन फानन कार्रवाई करते हुए खुलेआम तमंचे से धमकाने वाले महाशय को धर दबोचा और 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया। उन पर धमकाने और शस्त्र अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तमंचे से धमका रहा है। SP रामपुर श्री राजेश द्विवेदी जी के संज्ञान में आया ट्विटर के माध्यम से। तत्काल टीमें गठित की इसकी खोजबीन के लिए कौन व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति है रिहान खां, पुत्र अब्बन खां, निवासी मजार टाट साह, बढ़िया की दुकान, थानागंज का रहने वाला ज्ञात हुआ। थोड़ी देर बाद ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया और जो तमंचे जिसे धमका रहा था तमंचा भी बरामद कर लिया है इसे 315 बोर का, और 2 315 बोर के कारतूस भी इससे बरामद हुए। क्योंकि इसके द्वारा लैंड ऑर्डर खराब किया गया था और इसे धमकाया गया था, तो एक अलग से मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। जल्दी ही इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, इस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हम लोग करेंगे।